हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास टू। पिछले वीडियो में आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, तो भाषा को सहज और सरल बनाने के लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि पहले में है नीचे दिए गए अनेक शब्दों की जगह जो एक शब्द आएगा उसका स्टिकर चिपकाओ। स्टिकर जो है पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। तो क में है जो बगीचे की देखभाल करता है, तो बगीचे की देखभाल करने वाले को हम लोग एक शब्द में कैसे कहेंगे, उसे हम माली कहेंगे। जो चित्र बनाता है, तो चित्र बनाने वाले को एक शब्द में कैसे कह सकते, उसे हम चित्रकार कह सकते हैं। जो सेना में काम करता है, तो उसे हम लोग एक शब्द में सैनिक कह सकते हैं। और जो इलाज करता है, उसे हम लोग एक शब्द में डॉक्टर कहेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ जो शब्द दिया गया है जैसे माली, चित्रकार, सैनिक और डॉक्टर, आपको इन चारों के स्टिकर चिपकाने हैं। और स्टिकर जो है पुस्तक के अंत में दिए गए हैं, आपको वहाँ से लेके यहाँ पे उसके स्टिकर चिपकाना है। और दूसरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अंधा, चिड़ियाघर, बहरा, दुकान। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे अनेक शब्द दिए गए हैं। तो इनके एक शब्द क्या होंगे, इसी ऑप्शन में से चुनकर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि क में है जहाँ चिड़िया और जानवर रखे जाते हैं, तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या उसका नाम देंगे, चिड़ियाघर। दूसरा है, जहाँ से सामान खरीदा जाता है, तो उसे हम लोग एक शब्द में कैसे कहेंगे, दुकान। ग है जिसे दिखाई ना देता हो, तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, अंधा। जिसे दिखाई ना देता हो, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, अंधा। और जिसे सुनाई ना देता हो, उसे हम लोग एक शब्द में कहेंगे, बहरा। तो बच्चों, आपको इन सबको साफ साफ कॉपी में लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर, और इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।